नपुंसकत्व या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का इलाज क्या है, ऐसा काफी लोग पूछते हैं और बोलते हैं कि भाई एकदम छोटे इसमें बोल दो क्या है, तो बहुत ज्यादा लंबा मत खींचो, हमको जल्दी बता दो क्या करना है। तो एकदम छोटा मैं आपको एक छोटा सा वीडियो मैंने तैयार किया हुआ है, आपको बताता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़कर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ, महाराष्ट्र में मुंबई अकोला में पैट। देखिए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है नपुंसकत्व है, लिंग में कठोरता नहीं आ रही है, उसमें होता क्या है कि हम टेम्पररी उसका इलाज करते हैं। नंबर एक टेम्पररी इलाज मतलब ऐसा है कि उनको PDE5 इनहिबिटर्स जो है वो गोलियां देना। इसका मतलब यह है कि सिल्डानाफिल, टाडालाफिल, वर्दानाफिल ये जो गोली है, तो ये गोलियां PDE5 इनहिबिटर्स जो है वो गोलियां देना, जिससे लिंग में जो मांसपेशियां हैं वो रिलैक्स हो जाती है, खून अंदर जाता है बहुत बड़ी मात्रा में, और खून अंदर जाने से कठोरता आती है। तो ये एक घंटा पहले लेना है, और एक घंटा पहले लेते उसका इफेक्ट 3-4-5 घंटे चलता है। टाडालाफिल जो है उसका इफेक्ट 12 से 24 घंटे चलता है। तो ये गोली के साइड इफेक्ट्स भी है, इसलिए कभी भी किसने भी अपने आप में नहीं लेना, ओवर द काउंटर परचेस करना नहीं है। इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रेट, यदि आपको चल रहे हैं नाइट्रेट की दवाएं पहले चल रही है तो इसके साथ में लेना नहीं है। रिटिनल प्रॉब्लम है तो लेना नहीं है, इसमें हेडेक होता है और पेट के प्रॉब्लम होते हैं, तो ये दवाई केयरफुल लेना पड़ता है। फिर दूसरा है न्यूट्रासिटिकल्स, इसका मतलब ऐसे कि न्यूट्रिशनल जो अपने न्यूट्रिशनल जो है मतलब न्यूट्रिशियस फूड जो है, मतलब जैसा अमाइनो एसिड जो है, और उसका मेडिसिनल यूज भी है, मतलब है वो न्यूट्रिशन में और उसका मेडिसिनल यूज भी है, उसको बोलते हैं न्यूट्रासिटिकल्स। तो वो दवाई लेते हैं तो उसका भी असर ब्लड फ्लो बढ़ाने में होता है, जिसमें इसमें अमाइनो एसिड्स है जैसे अर्जिनिन जैसे है, या कोई लोग बोलते हैं कि बादाम काजू इसमें भी होता है, और वाटरमेलन मतलब टर्बूज, तो ये खाने से, या फिर जिंको बिलोबा ये दवाई से, तो ऐसी काफ़ी सारी जो दवाइयाँ हैं कि जिससे ब्लड फ्लो अंदर मतलब बढ़ जाता है लिंग का और उसमें फ़ायदा होता है, तो वो है। और तीसरा जो है तो वो है काउंसलिंग का, कि पति पत्नी में यदि आपसी रिश्तों में तनाव आया हुआ है, दरी आई हुई है, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है, या कोई ऐसा गिल्ट फीलिंग है, टेंशन स्ट्रेस रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, तो उसके लिए काउंसलिंग करना और अपना इलाज करवा लेना। तो ऐसे बड़े तीन ये अलग अलग है, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं, अभी तो यही बोलूँगा। अभी वैक्यूम पंप्स आए हुए हैं कि जिसमें वैक्यूम पंप में इरेक्शन हो सकता है, या अभी मतलब कैवर्नोसस मतलब बाहर जो बल्ब्स है पेनिस का, मतलब पेनिस को बाहर से स्टिमुलेट करना है ना, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देना एकदम छोटी मात्रा में, जिससे कि उसमें एक्साइटमेंट आ जाएगा, तो वो बाहर से स्टिमुलेट करने के भी अभी कोई मशीन्स आई हुई है, मगर वो एक टेम्पररी है और उसमें गारंटी नहीं है। बेस्ट ये है कि यदि फटाफट इलाज चाहिए तो मेडिसिन आप लेते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।